बिस्मिल लाइव रॉक टॉपिक ऑफ़ डिस्कशन इस M two इंपोर्टेंट MCQs पॉइंट स्टार्ट करते हैं।

केस ऑफ कोकेन इंटेक परसेंट या एच आई वी है तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमरूलोसिस अगर प्रोटीन यूरिया थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर ट्वेंटी फोर आवर से कम है या हाइपर टेंशन है हिमाचूरिया है ओलिको यूरिया है तो इनफ्राइटिक सिंड्रोम होता है क्लियर अगर फ्रेंचाइटस की हिस्ट्री लेस देन वन वीक है और नफ्राइटिक सिंड्रोम के फीचर्स है लाइक हाइपर टेंशन हिमाचूरिया ओलिको यूरिया प्रोटीन यूरिया एडिमा तो यह होता है आई जी एन एफ्रोपैथी अगर यही फ्रेंचाइटस की हिस्ट्री मोर देन वन वीक है तो यह पोस्ट एप्टोकोकल गलोमारोलो नाफ्राइटिस होता है आई जी एन एफ्रोपैथी में कॉम्प्लीमेंट लेवल सी थ्री सी फोर नॉर्मल होती है लेकिन पोस्ट टेप्टोकोल ग्लोमारोलो नाफ्राइटिस में डिक्रीज हो जाती है ड्रग टू कंट्रोल बीपी इन केस ऑफ नेफ्रैटिक सिंड्रोम ओके नेफ्रैटिक सिंड्रोम में या डायबिटीज मेलिटस में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है एज़ इनहिबिटर ड्रग और चॉइस फॉर डायबैटिक नेफ्रोपैथी वन सेकंड एस ओके बेस्ट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग इन डायबैट नेफ्रोपैथी माइक्रो एलबीमिन यूरिया होता है थर्टी टू थ्री हंड्रेड मिलीग्राम पर ट्वेंटी फोर आवर क्लियर इसके बाद है फीचर्स ऑफ है है ओबटक्स पे रैश नफराटिकोमिन पर आ जाएगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ एच एस पी इंटोस होती है वेट शेप एरिया इन किडनी रीनल इन्फॉक्शन की वजह से होता है सिकल सेल एनीमिया की वजह से बायलैटरल लंबर स्वेलिंग है और हिमाचुरिया है तो ये पोलीचेस्टिक किडनी डिजीज में देखने को मिलता है ओके okay, इसमें आपको क्लॉनिक डायबेटिकुला हाइपर टेंशन एबडोम बार्टी

सकता है क्लियर सडन ओलिगो यूरिया लाइक फोर्टी एट के अंदर में होता है मोस्ट कॉमन काज ऑफ ड्रग इंडस होता है मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीकेडपोरटेंशन या डायबिटीज होता है सी में हिस्ट्री मंथ्स या ईयस में होती है और करेटिन और यूरिया का लेवल ज्यादा होगा जिसको बोलते हैं एजोटीमिया बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सी तो आपने केटिनिन का के लेवल कराना है नॉर्मल कितना होता है जीरो से लेकर वन पॉइंट टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ सी के की वजह से हाइपर होता है हाइपर होता है और हाईपरफोटीमिया देखने को मिलता होता है क्लियर इसके अलावा और क्या होगा यानी ना सोडियम और कैल्शियम कम हो जाएगी बाकी सब चीज़ें बढ़ जाती हैं प्रोटॉन्स भी बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से एसिडोसिस होता है काज ऑफ एनीमिया सी के डी डिग्री की वजह से या आयरन या फोलेट की ऑब्जॉर्प्शन ना की वजह से या यूरिमिया का टॉक्सिक इफेक्ट होता है या आरबीसी का सर्वाइवल रेट कम हो जाता है कैपलरी फ्रेजिलिटी की वजह से ब्लड लॉस हो जाता है ओके इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस आर द सेम आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीकेडी क्या क्या डायलिसिस की इंडिकेशन होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एन यूरिया रेजिस्टेंट यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस यूरिमिक यूरिमिकार्डाइटिसफलोपैथी और फ्लूइड ओवरलोड होता है कॉज ऑफ रीनल रिजेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांट तो वो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होता है प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज की वजह से होता है साइटोमिकलो वायरस की वजह से होता है डायलिसिस जब आपने स्टार्ट करना है जब जी एफ आर फिफ्टीन से कम हो यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज हो मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लेटर कैंसर तो वो पेनलेस सीमाचुरिया होता है मोस्ट कॉमन ब्लेडर कैंसर ट्रांसिशनल सेल कैंसर होता है कॉज ऑफ ब्लेटर कैंसर शिस्टो

हाइपोक्लीमिया में देखने को मिलती है प्रोलॉन्ग पी इंटरवल और एक्टोपिक यू वेव हाइपोक्लीमिया में होती है काज ऑफ हाइपोक्लीमिया हाइपोक्लीमिया कुशिंग सिंड्रोम की वजह से हो सकता है कौन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है लूप डायबिटी की वजह से जबकि हाइपरक्लीमिया एडिसन स्पाइनोलेक्ट्रॉन एनसेट की वजह से देखने को मिलता होता है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर क्लीमिया ओके हाईर क्लीमिया में सबसे पहले आपने आई वी कैल्शियम ग्लूकोनिट देना होता है नंबर टू पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करना कैसे शिफ्ट करोगे ग्लूकोज और पांच इंटरनेशनल यूनिट ग्लूको इंसुलिन दे दोगे इंसुलिन दे दोगे सावा दे दोगे सोडा बाई कार्बोनेट है और पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालोगे रूप डायबिटेटिक से रिजोनियम से या डायलिसिस से क्लियर इसके बाद नॉर्मल ओसमोलाटी कितनी होती है थ्री हंड्रेड मिली ओसमोल होती है ओके okay? कोई भी फ्लूड जिसकी ओस्मोलालिटी तीन सौ से ज़्यादा की होती है तो वो हाइपर ऑस्मोलर होता है और अगर प्लाज्मा की ओसमोलाटी का ज़्यादा है और यूनिट की कम है यूनिट की कम है मतलब सारा पानी यूरिन में लॉ

ऑब्स्टेट साइन और कार्पोपेडल स्पैज्म हाइपोकैल्सीमिया में होता है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल हाइपोकैल्सीमिया में होता है कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इन विच नॉर्मल एनायन गैप नग्मा नग्मा होता है मेमोनिक है हार्ड एस ओके एच से हाइपर एलिमेंटेशन ए से होता है आपका लाइक एडिसन डिजीज आर से रीनल ट्यूबलर एसिडोसिस है डी से डायरिया आ जाएगा ओके एस ए से क्या हो जाएगा हाँ, ए सस्टाजोलाइट स्पाइनोलेक्ट्रॉन और सेलानी इफ्यूजन आ जाएगा क्लियर सही हो गया टाइप ऑफ ब्रीथिंग इन मेटाबोलिक एसिड डोसिस तो कुस्मो ब्रीथिंग होती है कम्पनसेटरी रिस्पॉन्स ऑफ रिस्पारेटरी यानी मेटाबोलिक एसिडिस होगी तो रिस्पायरेट्री कंपनसेशन होगी हाइपर वेंटिलेशन में मेटाबॉलिक एसिड ऑसेज में पी एच सेवन पॉइंट थ्री से कम देखने को मिलेगी बाई कार्बोनेट का लेवल भी कम हो जाएगा क्लियर अगर कंपनसेशन रिस्पायरेटरी से आती है तो सी सी टू कम हो जाएगी मेटाबॉलिक एल्किलोसेस में पी एच सेवन पॉइंट थ्री से ज्यादा होती है ठीक हो गया काज हो मेटाबोलिक एल्किलोस हाइपर एल्डोस्टिडोनीजम है और वॉमिटिंग है वॉमिटिंग की वजह से हाइड्रोजन

पॉजिटिव होती है वेट लॉस होट स्वेटी हैंड है इंक्रीज एपीटाइट थैराटॉक्सिकोसिस में होती है थैराटॉक्सिकोसिस में साइनस टकी होता है एल्ट्रल फिब्रिलेशन होती है ओके जबकि साइनस पेरेडी कार्डिया में होता है एनजाइटी हाइपरथाराडिजम में होती है और डिप्रेशन हाइपोथाराडिजम में होता है एक्जॉफ थालमोस लिड लैग लिड रिट्रैक्शन ये आपको ग्रेवीस डिजीज में देखने को मिलती है गाइनिकोमास्टिया हाइपरथाराडिजम में होता है जबकि ग्लेक्टोरिया हाइपोथाराडिजम में होता है लॉस ऑफ लैटरल साइड ऑफ आईब्रो ये आपको हाइपोथाराडिजम में, इसके अलावा शिहान सिंड्रोम में भी देखने को मिलती है वर ड्राई स्किन कोल्ड टॉलरेंस है ओके ड्राई स्किन कोल्ड टॉलरेंस वेट गेन है तो ये हाइपोथेराटिजाम में देखने को मिलता है ओके फाइंडिंग्स इन थायरोटॉक्सिकोसिस में टी थ्री टी फोर ज्यादा होगा टी एस एच कम होगा TSH ज़्यादा होगा ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर इन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीटी देना है ट्राइमस को रोकने के लिए बीटा ब्लॉकर या प्रोपेलोल देते हैं एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटी हाशिमोटो मोटोथाइटिस में होती है हाशिमोटो मोटोडाटिस में जो कैंसर होता है वो लिम्फोमा होता है रेडिएशन की वजह से पैपिलरी कैंसर होता है मीटर की वजह से पॉलीक्लुलर कैंसर होता है क्लियर मेंट 2 ए और मेंट 2 बी ओके okay? मेंट 2 ए में क्या होता है मेंट 2 ए को सिपल सिंड्रोम कहते हैं इसमें मेडुलरी थायराइड कैंसर फियोक्रोमोसाइटोमा और हाइपर पैराथायरायडिज्म होता है मेंट 2 बी में आपको देखने को मिलता है फियोक्रोमोसाइटोमा मेडुलरी थायराइड कैंसर म्यूकोसल न्यूरोमास uh, और मार्फाइट हैबिटस आपको देखने को मिलती है अमानाइट एपोजिशन और सीरियस कैल्सिटोन आपको मेडुलरी थायरॉड कैंसर में देखने को मिलता है शॉर्ट स्ट्रेचर है वेबडेनक है स्ट्रीक ओवरी या टर्नर सिंड्रोम है इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर टर्नर सिंड्रोम कैच्यू टाइपिंग करानी है फोर्टी फाइव एक्स नॉट होता है ओलिगोमिनोिया एक्नी है पीसी यूस में देखने को मिलती है पीसी यू एस में एल एच का लेवल और प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ जाता होता है लार्ज हाइट है स्मॉल टेस्टीज है क्लाइन फेलर सिंट्रोम में होता है मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपर कैलिसमिया इस पैराथारोटेडिनो कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथारोडिजम इज पैराथाडाडिनो

के लेवल ज्यादा होता है सीरम क्रोमोग्रानिन का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलता है और जो बेस्ट टेस्ट होता है वो प्लाज्मा मेटानफरीन होता है जेनिटेलिया आपको ट्वेंटी वन बीटा हाइड्रोसिलियस की डिफिशंसी की वजह से देखते हैं तो नॉर्मल लिख दिया है ओके ट्वेंटी वन हाइड्रोक्सिलियलियलियलियलियल होता है वीजिंग फ्लशिंग डाल दिया में होता है ऑक्ट्रियोटाइड देना होता है इसके अलावा प्रोकोडाइलेटो दे सकते हैं एमिनोरिया गलेक्टोरिया लिबिडो प्रोलेक्टिनोमा में होता है प्रोमोक्रिप्टीन देना होता है लार्ज हैंड है लार्ज फीट है कपड़ों का साइज बढ़ गया तो है इसमें आई वन का लेवल कराते हैं और ओरल टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं और ट्रीटमेंट किया ट्रांसोफिनाइड्रल सर्जरी है

डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ इज हाइपोग्लाइसीमिया ओके टाइप टू डायबिटीज़ मेटाबॉलिक सिड्रोम से एोसिएटेड होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपको सेंट्रल ओबेसिटी आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है टैग का लेवल ज्यादा होता है और आपको आ, कहने का मतलब है कि एक, आ, क... एच डी एल कोलेस्ट्रोल का लेवल कम होता है क्लियर डी के में जो आर पी एस होता है दो सौ से ज्यादा का होता है ब्लड में और यूरिन में कीटोन बॉडीज पॉजिटिव होती है पी एच सेवन पॉइंट थ्री से कम होती है बाईकार्बोनेट के लेवल पंद्रह से कम होता है डी के टाइपन में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सरेवेरा लडीमा होता है डोज ऑफ इंसुलिन इन डी के है तो वो पॉइंट वन होती है जबकि उसमें आप जीरो पॉइंट जीरो फाइव इस्तेमाल करते हैं ओके ग्लूकोज आपने जब देना जब ग्लूकोज टू फिफ्टी टू से कम देखने को मिले टाइप ऑफ फ्लूड यूज इन डी के है तो नॉर्मल सलाइन होता है ओके और जब हाफ सलाइन आपने कब देना होता है जब सोडियम वन फिफ्टी फाइव

जबकि जी एल पी एगोनिस्ट में एक्जीना टाइट लीरा आ जाता होता है क्लियर एक्जीना टाइट लीरा ग्लूटाइट जी एगोनिस्ट होता है ड्रग ऑफ डायबिटीज विच कॉज ऑस्टियोपोरोसिस और कार्डिक अपनोमैलिटी ओके ऑस्टियोपोरोसिस हार्ट फेलियर थायरॉइड डायनिटायोन्स की वजह से देखने को मिलता है टाइप 1 में आपने इंसुलिन इस्तेमाल करनी होती है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लिस्पर और स्पार्ट और ग्लूलिसिन होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका एलेंटी एन होता है न्यूट्रल प्रोटामिन हैचडोन है लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्जिन डेग्लूडेक और डिटामिन आ जाएगा ड्रग ऑफ डायबिटीज यूज इन सीवीएस और सीवीएस में

ओके टिपिकल फाइंडिंग इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी माइक्रोल्बिमिन यूरिया होता है थर्टी टू थ्री हंड्रेड माइक एनजी पर ट्वेंटी फोर आर होता है फर्स्ट साइन इन लेटिनोपैथी माइक्रो एनोलिज्म देखने को मिलता है फॉल्स बट फर्म बिलीव डिलुयन होता है परसेप्शन विदाउट स्टीमुलस हेलोसिनेशन है परसेप्शन विद स्टीमुलस इलोयन होता है लाइक like, शाम को रस्सी समझना अगर कोई पर्सन ये बिलीव करता है कि कोई उसको नुकसान पहुंचा देगा डिलुन ऑपरसिक्शन है अगर कोई बंदा यह कहता है कि उसको कैंसर है हाइपा है अगर कोई उसके पास स्पेशल स्टेटस है कोई पावर है तो ये ग्रेडियोसिटी होती है अगर कोई पेशेंट ये बिलीव करता है उसका हेड मिसिंग है या वो जिंदगी नहीं है तो नीली होता है वाइल्ड गोइंग टू द स्लीप तो हिप्नोगॉगिक होती है जागने पर हिपनोपोम्पिक होती है दोनों आपको देखने को मिलती है नारकोलेपसी के अंदर ऑडिटरी हेलोसनेशन शीजोफ्रीनिया में होती है विजुअल हैलोसिनेशन डिलेरिया में होती है एनजाइटी हाइपर में होती है डिप्रेशन हाइपर में होता है डिमेंशिया ओल्ड एज में होता है तो वो डिजीज होता है जिसमें टाप प्रोटीन होती है एंटीकोलिनस्ट्री ड्रग लाइक रिवस्टेगमिन गलेंटामिन में वेंटीन आपने देनी होती है अल्जाइमर डिजीज में हिपोकैंपस अफेक्टेड होता है जिसमें प्लाक और टैंगल्स देखने को मिलती है मेडिकल डिसऑर्डर जिसमें डिमेंशिया हो सकता है तो एड्रीनियल और थायरॉइड ग्लैंड के डिसऑर्डर होते हैं लाइक हाइपर

कंडीशन है तो वह शीजोफ्रीनिया होता है ओके एक पेशेंट है जो शीजोफ्रीनिया की ड्रग इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसको फीवर ट्रैमर है तो न्यूरोप्टिक मलिगन सिंड्रोम आ जाएगा ट्रीटमेंट में डेंट्रोलीन और बैक्ट्रोफिन आ जाएगा ओके तमाम शीजोफ्रीनिया की ड्रग गेन करा देती होती है इफेक्ट ऑफ क्लोजिन एक ग्रेनोसाइटोसिस होता है सुसाइडल थॉट डिप्रेशन में देखने को मिलती है लॉस ऑफ इंटरेस्ट लॉस ऑफ जॉय ड्यू टू ब्रेकअप तो ये डिप्रेशन में देखने को मिलता है एमिट्रिप्टलिन

देखने को मिलती है ओके बाइपोलर डिसऑर्डर और तो शीजो फ्रीनियोफेक्टिव डिसऑर्डर होता है फियर ऑफ गोइंग टू द क्राउड तो ये कैरोफोबिया होता है पैनिक अटैक में देखने को मिलता है चेस्ट पेन विद पालपिटेशन है लेकिन ईसीजी और रिस्पायरेटरी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है तो एंगजाइटी या पैनिक अटैक देखने को मिल सकते हैं एंगजाइटी में रिस्पायरेटरी लॉसिस हो जाती है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन थेरापी फॉर एंगजाइटी डिसेंसिटाइजेशन करते हैं ड्रग फॉर एंगजाइटी एस एस सारा या टी सी आई देते टी सी ए देते हैं रिपीटेडली वॉशिंग हैंड बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डिजीज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज कहते हैं ड्रग और चॉइस फॉर ओसीडी एस एस सारा ही होती है नाइट मेयर आफ्टर वार

इसको इसकी बॉडी शेप खराब है तो आ, तो ये बॉडी डिसमोडिफिक फीचर आना चाहिए था इसने गैरोफोबिया लिखा हुआ है यंग गर्ल नॉट टेकिंग फूड है और एक्सरसाइज कर रही है वेट लॉस है मैसीएशन एनर्जन अरबूजा होता है रिकरण बाउंस ऑफ सेल्फ ईटिंग है और वॉमिटिंग कर देती है परगेटिव या डाइटिंग करती है बुलिमियन अरबूजा होता है रसल साइन मिलोरी मेलोरेविस्टर पैरोटिट ग्लैंड की लाजमेंट बुलीमियन अरबूजा में होती है और बुलिमियन अबूजा में हाइपोक्मिया देखने को मिलता है हाइपोक्मिया की वजह से सेगमेंट की डिप्रेशन टी वेव प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है ड्रग और चॉइस फॉर ईटिंग डिसऑर्डर एस एस होती है टेयरफुलनेस इिटेटेड है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन द टू ये पोस्टमार्टम ब्लूज़ होता है लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम है तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है टू वीक्स के बाद देखने को मिलता है, है फिर आपने ऐसे सारी इस्तेमाल करनी होती है अगर माँ को सस्पिशियस है कि कोई उसकी बेबी को, को नुकसान पहुंचा देगा पोस्टमार्टम साइकोस है पोस्टमार्टम तो साइकोसिस की प्रोफाइलिसमाल लिए लिए करती होती है मिस परसेप्शन ऑफ रियल स्टिमुलस होती है और जो आपकी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन होती है को ठीक करने

ड्रग और चोइस मेट्रोनेटाजो है ग्रीजी स्टूल है, है और स्टूल में ड्रोफेज है तो जी आरडीएस होता है ड्रग है चोस डायरिया फोर्टीन डेज से ज्यादा का होता है 14 से कम का होता है तमाम डायरिया की डिजीज में अपने स्टूल कल्चर कराना होता है स्टेपलेटर फीवर और ग्रीन रॉस टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है फी, टकी कार्डिया होता है लेकिन टाइफाइड फीवर में आपको रिलेटिव ब्रेडी कार्डिया देखने को मिलता है लिकोपिनिया कोविड 19 और टाइफाइड में देखने को मिलता है

मतलब एसिमेट्रिकल वीकनेस है तो वो पोलियो होता है पोलियो एंटीरियर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है फ्रेंजियल वाल पे मेम्ब्रेन बन गई है और पेरिकार्डियम पे भी बन गई है तो डिप्थीरिया होता है डिप्थीरिया में बुल नेक अपीयरेंस देखने को मिलती है डोज ऑफ डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सेंट अगर ड्यूरेशन दो दिन का है तो बीस से लेकर चालीस हजार लेकिन अगर ड्यूरेशन तीन दिन का है तो अस्सी से लेकर एक लाख तक देनी होती है फॉलोड बाई वॉमटिंग पोस्ट यूसिव वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है टैटर इस्तेमाल करनी होती है ओके एंटी टैटर सीडम पचास से लेकर आपने इस्तेमाल करना एक लाख तक ओके और तीन से लेकर छह हजार होती है एंटीबायोटिकॉट्रस होती है मीजल्स में ए देना होता है मोस्ट कॉमन मम्स और होता एम एमएमआर वैक्सीनेशन नाइन्थ मंथ में और फिफ्टीन मंथ में देते हैं रेन ड्रॉप लाइक रैश चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है जबकि रेन ड्रॉप लाइक रैश इको कंडीशन में भी होता है टंग टंक में देखने को मिलती है वेजिकल्स इन है ओके okay, तो रेमसी हंड सिंड्रोम होता है हर फीस रोस्ट्रो वायरस की वजह से होता है फीवर चिल्स राइगर्स है तो ये टिपिकल ट्राइड होता है मलेरिया का मोस्ट विरुलेंट मलेरियल पैरासाइटिस प्लास्मोडियम फल से होता है मोस्ट कॉमन मलेरियल पैरासाइटिस प्लास्मोडियम वाइवैक्स होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इस ओके ब्लड में होता है थिक एंड थी जिमसा स्टेनिंग होती है सदबेल मलेरिया में जो सीजर होते हैं वो जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीज़र होती है ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया में होता है ड्रग और चॉइस फॉर मलेरिया मलेरियम प्रेगनेंसी क्लोरोक्वीन होती है लार्ज इनकोबेशन पीरियड प्लास्मोडियम मेलेरिया का होता है लेस इनकोबेशन पीरियड प्लास्मोडियम क्लासिक पैराम का होता है पैरी और वाइटल पेन फीवर जॉइंट पेन गम ब्लीडिंग डेंगी में आपको देखने को मिलती है डेंगी इस कॉज पर एडिसा जबट आई है अगर डेंगी वाले पेशेंट को हाइपोटेंशन है टैकीकार्डिया है ओके तो ये डेंगी शॉक सिंड्रोम हो जाएगा क्लियर ठीक हो गया उसके बाद है कि सीबीसी में क्या होगा डेंगू में थ्रोमोसाइटोपिनिया लिकोपिनियर और आपको हिमाटोकिलियर ज्यादा देखने को मिलता है मैक्यूलो वैक्यूफे रैश है इन लार्ज टॉन्सिल तो इनफेक्शन होता है पोल बोनल टेस्ट और हिट्रोफिल एंटीबॉडी और मोनोस्पो टेस्ट पे करते होते हैं सैंड फ्लाई होता है, है। रेबीज वैक्सीनेशन की जो प्री एक्सपोजियर प्रोफालासिस होती है वो जीरो सेवन ट्वेंटी एट है जो पोस्ट एक्सपोजर होती है वो जीरो थ्री और ट्वेंटी एट डेज पे भी लगती होती है क्लियर विच पैरासाइट कैन कॉज ओके पैरासाइट कैन कॉज नीमिया तो एनसेलास्टोमा डूडीनेली होता है होकवाम होता है पेरी इनल इचिंग एंट्रोबिस मेम्यूक्लारिस की वजह से होती है रेक्टल प्रोलेस ट्राइच्यूरस ट्राइच्यूरिया की वजह से होता है स्कैरिस के लिए ड्रग और चॉइस में होती है कैटरेक्स कैटरेक्ट प्लस पीडी है ओके और हेयरिंग लॉस है तो रुबेला में देखने को मिलती है कोरियो रेटिनाइटिस है सेंट्रल कैल्सिफिकेशन एटोक्सोप्लासमोसिस में होती है माइक्रोसैफिली पेरीवेंट्रोकर कैल्सिफिकेशन साइटोमिगेलो वायरस होता है टेम्पोरल लोब टेम्पोरसे हरपी सिंपलेक्स वायरस की वजह से होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मोस्टली हेपेटाइटिस बी फैलता होता है प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई होता है बच्चों में हेपेटाइटिस ई होता है डिजीज इन सेवरेज वर्कर या डी वी एम डॉक्टर या इन्फेक्टेड रेट यूरिन तो लेप्टोस्पायरोसिस होता है ड्रग ड्रॉगोल चॉइसिसन है स्विंगिंग फीवर ब्रूसिलोसिस में देखने को मिलता है स्विंगिंग फीवर आपको मेबीआस में भी देखने देखने मिल सकता है लाइन लाइक फेस थिक एंड नर्व है थिक एंड स्किन है लेप्रोसी होता है ड्रग और चॉइस स्टेप्सोन होती है अगर सी डी फोर काउंट दो से कम है न्यूमोस्टल जरूर बिकाई और क्रिप्टोकोकल बने जाइटस है ओके और अगर सौ से कम है तो साइटोमिक एलो वायरस आपको देखने को मिलता है ओके और अगर 200 से लेकर 500 सौ है तो टीबी या हो सकता है चैनकर और कुंडाइलोमा आपको मिनिटर सिफिलस में देखने को मिलता है प्राइमरी में चैनकर होता है सेकेंडरी में लिम्फेडिनोपैथी और रैश देखने को मिलता है टर्शरी में गुमा सी और सी बी होती है ड्रग और चॉइस वन सेकेंड पेनिसिलिन होती है ओके न्यूरोसिफिलस के लिए प्रोकिन पेनिस

में होती है काइनोकोकस की वजह से होता है ड्रग और जो ट्रीटमेंट होता है वो पीआर थेरापी है पी से पंक्चर ए एस्पिरेशन आई आइस इंजेक्शन ऑफ एजेंट ट्वेंटी परसेंट हाइपोटोनिक साइन है और आर से री एस्पिरेशन है जो साइन है एक्लेजिया हो गया शिगार डिजीज हो गया तो की वजह से होता है रूडोविक बग की वजह से होता है ड्रग और चोसिस स्लिपिंग्लाई की वजह से होती है मलेरिया और येलो फीवर दोनों से मिलता है साइड ऑफ द चेस्ट ओके अगर एंगल ऑफ माउथ है तो हरिजी सिंप्लेक्स है लेकिन साइड ऑफ द चेस्ट अब डोमन सिंगल्स होता है हर्पीज वायरस की वजह से होता है फोटो सेंसिटिविटी विद मेला में होता है टॉन्सल्स की लार्जमेंट है स्कॉलेट फीवर में देखने को मिलती है सैंड पेपर लाइक रैश होता है मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस ऑन द बैक ऑफ नेक एंड शोल्डर इन डायबिटिक तो वो कार्बंकल होता है कार्जवे स्टेफलोकोकस ओरियस ड्रग और चॉइस फॉर टीनिया कैपिटस ग्रीसोफिलविन होती है ड्रग और चॉइस फॉर डर्मेटोफाइट्स आपकी टर्मिनाफिन होती है ड्रग और चॉइस फॉर पिट्रियासिस वर्सिकुलर सिलीनियम सल्फाइड या कीटोकोनाजोल शैम्पू होता है रैश एंड फिंगर वेब स्पेस ए बीस होता है पर मैथ्रिन देना होता है ग्रीजी फेस है पेप्यूल और कॉमिडोना एक्नी होता है माइल्ड टू मॉडरेट में आप इथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन देते हैं और सीवियर में आप ओरल आइसोट्रेटिनॉन या ग्लोकोकॉटिकवाइड देते हैं पेशेंट हैविंग पेप्यूल विद फ्लशिंग और टिलन जेक्टेजिया ओके फ्लशिंग और टिलन जेक्टेजिया तो रोजिसी में देखने को मिलते हैं ओके व्हेन अवर हिस्ट्री ऑफ एस्थमा है और रैश विद स्क्रैच मार्क है तो टॉपिक एक्जीमा लिखना होता है फीचर ऑफ क्रॉनिक एक्जीमा तो लाइक और फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं सालमन पैट सोरियोसिस में देखने को मिलता है ऑस्पिट साइन सोरियोसिस में होता है सोरियोसिस की प्लाक या पोस्टुलर फॉर्म होती है वॉलिशियस पेप्यूल आपको लाइकन प्लेनस में देखने को मिलती है पोलीगोनल पर्पल फ्लैट ऑफ पेप्यूल्स होते हैं पूरा होते हैं लेस लाइक पैटर्न प्लस विकम्स ट्राया प्लस कोबरन फिनोमिना लाइकन प्लेनस में होती है कोबरन फिनोमिना बेटेलेगो सोरियोसिस और लाइकन प्लेनस में होता है व्हील्स फॉर्मेशन ओटी के में होती है सडन इरप्शन ऑफ ब्लिस्टर ऑल ओवर द बॉडी और पेशेंट सल्फोनामाइड ले रहा था सल्फोनामाइड सल्फोनाल एन से ए, ए, ए से

अगेंस्ट बनती होती है निकोन्स की साइन पॉजिटिव होता है फमफिगस वल्केरिस में टॉक्सिक एपिडर्मल में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है स्टैफिलोकोकल स्कल स्किन सिंड्रोम है

ओके इसके बाद हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं नेफ्रोलॉजी नहीं ओके okay, कार्डियोवास्कुलर भी नहीं ना क्योंकि ये मन में आते हैं सीएलएस भी मन में आता है रेस्पिरेटरी भी मन में है एंडोक्रिनोलॉजी मोस्ट लाइकली काज ऑफ हाइपर कैल्समेगनेंसी क्या हो सकती है पी टी एच आर पी की प्रोटेक्शन हो सकती है और हाइपर कैल्मिया क्यों हो सकता है उसकेमस और कार्सिनोमा की वजह से एल्डरली पेशेंट है जिसको हाइपर टेंशन है डायबिटीज़ विद हाइपर थारोडिजिम है तो जो ड्रग होती है अगर किसी को हाइपर टेंशन और डायबिटीज़ भी है और हाइपर थारोडिजम भी है तो बीटा ब्लॉकर ब्लॉक कर देएमर कम हो जाता है हाइपर थारोडिजम है इंसुलिन कम हो जाता है ओके ये क्या लिखा है एड्रेनालिन एडिसन डिजीज़ पता नहीं क्या लिखा हुआ यहाँ पर आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन अनबाउंड फॉर्म होती है ओके कोटेस्टोल इंक्रीज ओके न्यूट्रोफिल को बढ़ा देता है डोपोमिन रेगुलेट प्रोलैक्टिन के रिलीज को रेगुलेट करता होता है क्लियर जो है ना एडिसन डिजीज इसमें डिजीजिनोफिलिया भी देखने को मिलता होता है क्लियर अच्छा इंसुलिन डिक्रीज यानी अपिनफ्रीन के इंसुलिन को डिक्रीज कर देती है ओके इंसुलिन डिक्रीज होगी तो फिर अपीनाफरीन होगा पता नहीं क्या है हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन फाइव मिनट्स होती है स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ऑफ थायरॉड पैपले कैंसर होता है अडल्ट फीमेल ब्रेस्ट एट्रोफी एट्रोफियाजन है uh, ओके बाकी आई थिंक अच्छे पॉइंट्स नहीं है ये वाले इनको भी छोड़ देते हैं सही है दिस पी डी एफ डॉक्टर जुनेद वन मैन आर्मी इनको क्रेडिट जाता है फॉर दिस पी डी एफ एंड फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग